अर्ल्ड मेट्रिसस ये क्या है हम इसके ऊपर क्यों बात कर रहे हैं दिस इज द अपकमिंग और द फ्यूचर मेट्रिस रिसर्च मेट्रिस पे भी इंक्लूड होगा कैसे होगा कैसे ये हो रहा है यूरोपियन कंट्री वगैरह पे ऑलरेडी पॉपुलराइज है हमारे यहाँ पे भी थोड़ा बहुत इसके ऊपर ध्यान अभी सब कोई दे रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं सो दैट यू विल बी प्रोएक्टिव इन योर वे ऑफ यू नो शेयरिंग योर रिसर्च रिसर्स टू गेट यू नो मेट्रिसेस और पॉइंट और साइटेशन इन दिस ऑल्ट मेट्रिस एंड आपका प्रोफाइल पे कैसे इम्पैक्ट होगा वो भी थोड़ा बहुत बात करेंगे तो क्या है अल्ट मेट्रिसस क्या है अगर यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली रिसर्च को सेंटर रख रखे हम बात करेंगे यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरी और डिफरेंट सेक्शन हो सकता है वो भी हम देखेंगे तो यहाँ पे आप देखो कि बेनिफिट पे अगर हम जाएँ एंड दिस डेटा इज़ फ्रॉम अल्ट मेट्रिक्स डॉट कॉम तो यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है बट मेरा इंटेंशन ये है कि आपको सिंपल लैंग्वेज में समझा देना कि ये चीज है क्या एंड अल्टरनेटिव टू दिस प्लेटफॉर्म ये कहाँ पे आपको मिल सकता है यहाँ पे दे आर टॉकिंग अबाउट कि रिसर्चर को अ फ्री दे यू कैन एबल टू गेट द बैच यू नो ऑल मेट्रिक बैच वगैरह मिलेगा वो भी बात करेंगे तो यहाँ पे आप देखो बेनिफिट एंड एप्लीकेशन पे अगर जाते हैं तो समझ में थोड़ा बहुत आ जाएगा कि किनको बेनिफिट हो रहा है एक तो एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो गया दूसरा हो गया स्कॉलरली पब्लिशर्स को हो गया मतलब जो पब्लिशर वगैरह हैं देन कॉरपोरेट आर एंड डी हो गया देन गवर्नमेंट फंडर्स को हो गया तो यहाँ पे जब एकेडमिक इंस्टीट्यूशन पे हम बात करें तो एज ए रिसर्चर हमको भी बेनिफिट होगा ये अटेंशन स्कोर क्या है ये थोड़ा आप अगर देखोगे तो शायद आपके दिमाग में ये कहीं ना कहीं आपने अगर ये देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा दिस सॉर्ट ऑफ डोनट यू नो बैच टाइप का एक डोनट सॉर्ट ऑफ सिम्बल यहाँ पे आएगा कलरफुल इनो रेनबो सॉर्ट ऑफ एक डोनट यहाँ पे बन के आ रहा है जहाँ पे कि ईच कलर रिप्रेजेंट सम तो यहाँ पे वो कलर का क्या है डोनट आपका जो काम है मतलब आपका जो रिसर्च पब्लिकेशन है मैं रिसर्च पब्लिकेशन को लेकर बात कर रहा हूँ आपने आप लेट से यूर पी एच डी स्कॉलर बी टेक एम टेक फैकल्टियों के आप जो पब्लिश कर रहे हो उसको अगर अटेंशन मिल रहा है अदर देन द्रेडिशनल मेट्रीस हम बात यहाँ पे कर रहे हैं अदर Alt देन आप इसको इस हिसाब से भी रिलेट कर सकते हो तो यहाँ पे देखो पॉलिसी डॉक्यूमेंट पे कहीं पे आपका रिसर्च काम का बात हुआ है कहीं पे न्यूज पे हाईलाइट हुआ है कोई ब्लॉग पे अवेलेबल है ट्विटर पे किसी ने शेयर किया है वहाँ पे यू नो थ्रेड वगैरह बन रहा है कहीं पे दूसरा यू नो यहाँ पे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दिस ऑल आर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म तो यहाँ पे जब यहाँ पे आप कलर देख लो ये सब कलर का इंटीग्रेशन अगर मैं बनाऊँ तो इस टाइप का यहाँ पे आ रहा है ये जो नंबर है वो रिप्रेजेंट आपका कर रहा है कहाँ पे कितना वो बात हुआ है मतलब दैट शॉर्ट ऑफ यू कैन रिलेट विद साइटेशन जो हमको मिलता है उस हिसाब से आप रिलेट कर सकते हो और कलर का जो थिकनेस और जो यहाँ पे जो मिक्सचर होके बनेगा सभी कलर तो नहीं आएगा जिस प्लेटफॉर्म पे हुआ होगा उस प्लेटफॉर्म का ज़्यादा आएगा लेट्स से ट्विटर में ज़्यादा बात हुआ है तो कलर ज्यादा आएगा तो उस हिसाब से यहाँ पे वो बनता है तो यहाँ पे जो ये स्कोर जनरेट हो रहा है बेसिकली ऑन थ्री फैक्टर वॉल्यूम मतलब जिस जगह पे ज्यादा जितना बात हो रहा है और जितना सब ट्वीट कर रहे हैं और शेयर हो रहा है डिस्कस हो रहा है उस हिसाब से एक वॉल्यूम हो गया सोर्स हो गया सोर्स कौन सा सोर्स है कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में एंड द ऑथर एंड ऑथर यहाँ पर ये भी होगा कि जो खुद वो आर्टिकल लिखा है उसी ने खाली शेयर किया है कि दूसरा कोई ऑथर भी उसको शेयर किया है वो भी इम्पैक्ट आएगा तो उस हिसाब से यू you नो know, ये आपका ये बैच बन रहा है एंड व्हाट दे आर सेट से हम लोग ऑथर हैं ऑथर को अपना बैच भी मिल सकता है तो ये बैच कैसे हम ऑप्टन करें इसके ऊपर थोड़ा हम यहाँ पर बात कर लेते हैं आर्यर यहाँ पे सर्च बहुत ईजी था नाउ दे हैव अपग्रेडेड एंड आपका पेपर का भी आपको सर्च करोगे अपने नाम पे भी वो मुझे मिल जा रहा था अभी मुझे वो दिक्कत हो रहा है यू कैन ट्राई एंड डू लेट मी नो एज ए रिसर्चर हमको यहाँ पे क्या बेनिफिट मिल रहा है तो यहाँ पे यू कैन ट्रैक योर वर्क यू नो पब्लिश वर्क का पब्लिकेशन जो हुआ है एंड उसके ऊपर आप देख सकते हो सोशल मीडिया पे अगर बात हुआ है कहीं पे शेयर हुआ है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट सम इम्पैक्ट सोसाइटल इम्पैक्ट अगर बन रहा है जो भी काम आपने पब्लिश किया तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं शेयर होगा कोई ब्लॉग पे लिखेगा न्यूज़ पे आएगा न्यूज़ पे आएगा तो ज़्यादा हाईलाइट होगा एंड यू विल बी गेटिंग दैट अल्टमेट्रिक्स बैच मतलब अगर डिफरेंट जगह पे है तो डिफरेंट कलर कोड होके बनेगा एंड दैट यू कैन क्लेम आप इसको क्लेम कर सकते हो वो बता रहे हैं क्लेम यूर पर्सनल अल्टीमेटिक्स बैच यहाँ पे लिंक है आप जाके यहाँ पे उनको अगर यू नो नीड अपना बताओगे शायद दे विल रेस्पॉन्ड टू यू एंड आई थिंक यू कैन एबल टू गेट योर बैच ओवर हियर तो ये आप ट्राई कीजिए मैंने अभी तक एक डाल दिया है क्वेरी पे तो अभी तक मुझे रेस्पॉन्स नहीं आया है और अगर आ गया होता तो मैं भी आपको शेयर कर देता तो ये आप कर सकते हो दिस सॉर्ट ऑफ बैच यू कैन एबल टू गेट तो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या बैच यहाँ पे मिलेगा यहाँ पे अगर मैं जाऊँ रिसर्च बैच का तो यहाँ पे ये यह लोग कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिए हैं जो हम यहाँ पे देख सकते हैं जो बैच है कैसे ऑप्टन करना है वो है एंड यहाँ पे आप देखो एक पेज पे मतलब गूगल साइट पे किसी ने अगर बनाया अपना पब्लिकेशन यहाँ पे है इसको हम देखते हैं जूम करके साइट पे आप देखो गूगल साइट पे आ गया ये सब उसका पब्लिकेशन देन यहाँ पे ये यह जो बैच क्रिएट हो रहा है ये तो डायमेंशन का लोगो हो गया एंड दिस इज द ऑल मैट्रिक्स बैच इस पब्लिकेशन के ऊपर जो बात हुआ है उस हिसाब से वो डेवलप हो रहा है तो दैट बैच यू कैन क्लेम और लिंक हो सकता है शायद आपके साइट के साथ तो ऑटोमेटिकली इस पब्लिकेशन के अगेंस्ट पे ये बैच बन जाएगा एंड वाई नीड टू डू दैट इसका इम्पैक्ट मिलेगा मतलब जब फ्यूचर में आप मान लो अभी तो आपको स्कूप प्रोफाइल स्कूप साइटेशन हो गया गूगल स्कॉलर साइटेशन ये सब हम बात करें एच इंडेक्स वगैरह बाद में आपको सोसाइटल इम्पैक्ट और आपका सोशल मीडिया पर कितना पॉपुलराइज है मतलब लोग बात करें उसका कुछ इम्पैक्ट है कि नहीं पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल यू नो इम्प्लिकेशन अगर है तभी लोग बात करेंगे उसके ऊपर डिबेट होगा एंड नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है उस हिसाब से फिर ये बैच चेंज होगा तो ये फिर वैल्यू एक एडिशन हो जाएगा आपके सी पे अपने सी पे ये बैच आप ऐड कर सकते हो एंड जब भी आप जाओ सभी को बाद में पता चल जाएगा ऑल मैट्रिक्स क्या है सो दे माइट लुक इन टू दिस इन ऑल मैट्रिक्स आपका प्रोफाइल आपका पब्लिकेशन पे क्या इम्पैक्ट आया अगर आपका पेटेंट वगैरह है दूसरा कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट है ऑन दैट इफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट तो so डेफिनेटली आपको यहाँ पे बैच जनरेट होगा एंड ये आपका प्रोफाइल पे आप ऐड कर सकते हो इस हिसाब से तो यहाँ पे वो एग्जाम्पल दिया गया है दूसरा एक ये एग्जाम्पल है तो हम मुझे ये ज्यादा रिलेवेंट लगा हमारे लिए एज ए रिसर्च अपना पब्लिकेशन के अगेंस्ट पे कैसे करना है एंड दूसरा चीज जो मैं बताना चाहता था कि ये तो अल्ट डॉट कॉम पे इस फैसिलिटी आपको है एंड नाउ इंडियन प्लेटफॉर्म एज ए इंडियन वी हैव एन अदर प्लेटफॉर्म दैट यू ऑल नो वि तो विद्वान पे ऑलरेडी वो हो चुका है इंटीगेट आपको कुछ करना नहीं है वो बैच खोजते नहीं फेरना है आप अगर विद्वान प्रोफाइल बना हुआ है एंड हाउ टू मेक विद्वान प्रोफाइल मैंने उसके ऊपर बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है एंड आपको अगर कुछ डाउट है डू लेट मी नो विल डिस्कस मोर अबाउट इट तो विद्वान प्रोफाइल अगर आपका है यहाँ पर भी देखो ये तो पब्लिकेशन यहाँ पे आ गया टोटल पब्लिकेशन ये आपका आ गया आई गेस दिस इज फ्रॉम माई या दिस इज फ्रॉम स्कूपस जो साइटेशन है एच इंडेक्स है एंड नाउ यू सी अल्ट मेट्रिस तो यहाँ पे अल्ट मेट्रिस यहाँ पे जनरेट हुआ है एंड फ्रॉम डिफरेंट साइड जैसे फेसबुक पे हो गया ट्विटर पे हो गया मैंडले पे हो गया गूगल कॉलर है तो ये आपका ये नंबर जनरेट होगा ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज़्यादा अच्छा है मतलब बेसिकली कहना ये है कि आपका जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह है यू डू शेयर योर वर्क Never know, बाकी को पसंद आए वो लोग भी शेयर करके उसके ऊपर में नो बातचीत हो डिस्कस हो पॉजिटिवली हो नेगेटिवली अगर अभी हो रहा है तो यू हैव टू कन्विंस और यू हैव टू यू नो पुट योर पॉइंट पे जाके बताना है कि आपका काम क्या है किसके ऊपर आपने किया है सो दैट दिस मैट्रिक्स विल बिल्ड ये बिल्ट होगा नंबर ज़्यादा जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है तो दिस इज वॉट बिकॉज दिस इज न्यू टू मी एंड आई थिंक मैनी ऑफ अज तो ये थोड़ा बहुत हमको प्रोएक्टिव होना है सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं पे जैसे कि मैंने बताया था डिफरेंट प्रोफाइल कैसे बनाना है और प्रोफाइल बनाने का मकसद क्या है साइटेशन जो आपको गूगल स्कॉलर आपका स्कूपर्स पे बढ़ रहा है अलोंग विद डेट अल्टेटिस पे अगर आएगा यू नो पॉइंट तो फ्यूचर पे वो हेल्पफुल होगा एंड आप देखो ये जो नंबर आपको यहाँ पे देखने को मैं मिल रहा था अब पब्लिकेशन पे जाएंगे तो बैच भी इंटीग्रेट हो गया है आई हैव नंबर ऑफ पब्लिकेशन इट विल टेक सम टाइम टू लोड वो विद्वान के बारे में पता नहीं है आप देखो यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ जब तक वो लोड हो जाए यहाँ पे आप देखो ऑर्किड आई डी स्कूप आई डी वेब ऑफ साइंस रिसर्चर आई डी गूगल स्कॉलर आई डी सब कुछ यहाँ पे इंटीग्रेटेड है तो यहाँ पे एक बार आप बना लिए तो आपका प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली वो यू नो बिल्ड होते रहता है आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा जैसे कि आपको मैनुअली पब्लिकेशन वगैरह ऐड भी नहीं करना है अलमेट्रिक्स हो गया बाकी सब मेट्रिकस हो गया एक ही प्लेटफॉर्म के पे रहेगा आपका कोथन नेटवर्क भी यहाँ पे अवेलेबल है तो दिस इज़ गुड अबाउट इट एंड पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गया एक्सपीरियंस हो गया अवार्ड हो गया यू नो क्लास आपका क्वालिफिकेशन वगैरह हो गया मेंबरशिप पैटर्न ये सब आपको ऐड करना है बट वहाँ पे भी एक्सेल यू नो आपको दिया गया एक्सेल सी एस बी फाइल इज देयर तो उसमें फॉर्मर टेम्पलेट है एक साथ आप सब कुछ अपलोड कर सकते हो तो मैनुअल एंट्री उतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं है देखते हैं ये लोड होने से मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे दिखा दूँगा सो मीन वाइल डू एक्सप्लोर हमारा जो बाकी सब वीडियो है इस चैनल पे आप देखिए रिसर्च कंपोनेंट रिसर्च सपोर्ट टूल एथिकल पब्लिकेशन प्लेजरिज्म ए जो टूल है जो इवॉल्व हो रहा है कैसे वो इम्पैक्ट हो रहा है उसके ऊपर हमने बात किया हुआ है तो एक बार आप उसको भी एक्सप्लोर कीजिए एंड कहीं पे कुछ डाउट हो डू लेट मी नो अगर आप जो टॉपिक चाहते हैं वो डिस्कस नहीं हुआ है आई एम श्योर यू विल गेट टू यू यूल एबल टू फाइंड आउट जो भी आपका डाउट है अगर नहीं स्टिल आर मिसिंग आउट तो आप हमको बताइए मैं उसके ऊपर भी काम करूँगा अगर फिजिबल हो तो उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे आप सोच रहे होंगे कि गुड स्कोर क्या हो सकता है जैसे कि साइटेशन का स्कोर है तो ऑर्ल्ट मैट्रिक्स का ऐसा कुछ है क्या तो यहाँ पे बात हो रहा है इसके ऊपर भी ट्वेंटी और उससे ज़्यादा अगर है तो सही है तो वो आप कंसिडर कर सकते हो इज ए गुड यू नो अल्मेट्रिक स्कोर किसी किसी का अभी तक हाईएस्ट कहीं पे हमने देखा था वन थाउजेंड सम है जो अभी तक का हाईएस्ट है तो उस हिसाब से वो बिल्ड होगा वो टाइम बाय टाइम उसके ऊपर हो सकता है कहीं पे ट्वीट हुआ है और डिलीट भी हो सकता है तो वो इम्पैक्ट आएगा सोशल मीडिया पर वो हो होता है कभी कभी कुछ शेयर होता है उसके ऊपर बात होता है कोई डिलीट कर देता है तो दैन दैट कलर विल ऑल्सो चेंज एंड और क्या है यहाँ पे यहाँ पे जो अल्ट uh, मैट्रिक्स का मीनिंग अगर हम बोलें तो देट इज़ अल्टरनेटिव मेट्रिसस जो ट्रेडिशनल मैट्रिसस है उसके अलावा जो आ रहा है जैसे एच इंडेक्स हो गया ट्रेडिशनल पे ये सब हम बात करते तो दिस इज अल्टरनेटिव मेट्रिस पर्टिकुलरली सोशल मीडिया से रिलेट करके ये मैट्रिक हमको बन के आ रहा है एंड दिस इज वेरी यू नो मच पॉपुलराइज हो चुका है नो यूरोपियन कंट्री पे एंड दे आर लुकिंग इन टू इट कार्पोरेट हो गया इंस्टीट्यूशनल हो गया आर एंड डी यू नो हो गया दैनिंग एजेंसी वगैरह हो गया गवर्नमेंट सेक्टर से भी दे आर लुकिंग इन टू इट डिफरेंट सेक्टर पर डिफरेंट जो काम हो रहा है उस हिसाब से जो इम्पैक्ट है सोसाइट का उसको ध्यान पर लिया जा सकता है तो उसका इंपोर्टेंस इज देयर नाउ यू सी दिस इज जनरेटेड सम वॉट तो यहाँ पे जैसे कि मेरा यहाँ पे डायमेंशन का बना है इसी के अगेंस्ट पे हमारा अल्ट मैट्रिक्स का भी बन के आएगा तो आपका मान लो दस पंद्रह पब्लिकेशन है बहुत क्विकली यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा ये डायमेंशन पे आपको बता रहा है साइट आ, साइट से भी जो साइटेशन वगैरह इन्फॉर्मेशन है वो लेके बता रहा है ये लोड होने में टाइम लग रहा है तो मैंने जो आप यहाँ पर जो देख रहे हो जो मेरा यहाँ पर जनरेट हुआ है अल्ट मैट्रिक्स का स्कोर ये जितना पॉइंट है वो सब कहीं ना कहीं पे मेरा पब्लिकेशन के अगेंस्ट पे होगा सो दैट दिस दिस स्कोर इज कमिंग सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू शेयर आपको मैंने अल्टमेट्रिक्स डॉट कॉम पर भी बद लेके गया देन जो हमारे पास जो यू you नो know, विद्वान प्रोफाइल है वहाँ पे कैसे ऑलरेडी इंटीग्रेट हो चुका है तो आपको अगर एक प्रोफाइल बना लो तो सब कुछ यहाँ पर ही मिल जाएगा एंड इसको कैसे करना है उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया हुआ है एंड डू लेट मी नो एज आई सेट कुछ भी डाउट हो And thank you for watching this video.